हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे, तो अब आप पूछोगे कि शाम के 4:30 बजे किचन में सब्जी काट रहे हो इतनी जल्दी, ऐसा क्यों? तो मैं आज इसलिए इतनी जल्दी सब्जी काट रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का और मेरा दोनों का ही फास्ट है। तो अब मैंने सोचा कि ना, पिछले मंडे भी था फास्ट तो, लेकिन ना उस वक्त ना मैंने कुछ भी ऐसा ना स्पेशल नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ ताकि वो ऑफिस से आए ना तो उनकी सारी थकान मिट जाएगी। तो मैंने सबसे पहले मैं सब्जी में तो वैसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं बना रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ कि आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। और मैं खीर बनाऊँगी। खीर के लिए मैंने चावल जो है वो भिगो के रख दिए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा ना टाइम तक सब्जी काट दी है और चावल भी भिगो के रख दिए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ घर का, क्योंकि घर में भी ऐसे ही बिखरा हुआ है तो पहले उसको समेट लेती हूँ। तो ये तेजस ने ना एक तार बनाई है अपने लिए, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो अपने लिए ऐसी एक लंबी सी तार बना देता है, मतलब कि घर में ही टांग देते हैं उसके लिए, और वो इसमें ना कपड़े टांगता रहता है। ठीक है, उसका भी उसको अच्छा लगता है तो उसको फिर खेलने के लिए दे देते हैं। तो फिर मैंने जो भी कपड़े ऐसे फैले हुए थे तो उनको समेटा। तो पहले मैं, फिर मैंने शाम की झाड़ू लगाई, क्योंकि शाम को भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत कचरा हो ही जाता है और काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है बच्चे के साथ, और घर तो पूरा ऐसा ही होता है, पूरा दिन भर गंदा ही रहता है क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ बिखेरते रहते हैं, तो इसलिए सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो इसलिए अब शाम की झाड़ू हो चुकी है। तो मैंने सोचा तब तक ना आटा भी गूंद लेती हूँ, आटा गूंद के थोड़ी देर रख दूँगी, फिर उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं तब पूछूँगी उनसे कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा है कि पूड़ी बनाऊँगी, लेकिन फिर भी उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। ऐसे मेरे को ना, मैं सच बताऊँ, मुझे व्रत के दिन ना पूड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे रोटी से ज़्यादा पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें वैसे मैं जब भी पूड़ी बनाती हूँ ना तो मैं आटे में नमक नहीं डालती हूँ, बहुत ही कम डालती हूँ जब, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नमक जो है ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मैंने आटा गूंद लिया है, अब मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। फिर मैंने सब्जी बनानी स्टार्ट कर दी है, और मैंने ना सोचा कि सब्जी बना ही देती हूँ, सब्जी और खीर बना ही दूँगी। जब वो आ जाएंगे तब मैं उसके बाद रोटी, जब जो है रोटी या पूड़ी जो भी बनाऊँगी वो बाद में ही बनाऊँगी। सब्जी जो है मैं सिंपल सी ही बना रही हूँ, हम व्रत के दिन हम इसमें प्याज नहीं खाते हैं, तो मैंने सिर्फ ओनली टमाटर ही डाला है एक दाना, और नमक मिर्च मसाले वगैरह वही डाले हैं, सिंपल सी है। और फिर मैंने ना ये आलू को और बैंगन को भिगा के रख रखे थे कि ताकि तब तक मैंने पहले ही काट दिए थे ना, थोड़ी 10 मिनट तो तब तक वो काले ना पड़े, वरना वो काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको पानी में भिगा दिया था। एक तरफ मैंने सब्जी रख दी है, अब दूसरी तरफ जो है मैं खीर बना रही हूँ। और मैं उस टाइम ना वीडियो शूट करना ही भूल गई थी कि कैसे, तो मैंने क्या किया कि चावल को, जो भिगाए हुए चावल थे वो अच्छे से भीग चुके थे, और उनको पहले हल्का सा पानी में पकाया, फिर उसके बाद मैंने जो है दूध रखा था उसमें। और अब जो है शाम को यह तेजस सोया हुआ था तो अब वो उठ चुका है, उसने उठते ही मेरे को यही बोला कि मेरे जो वो तार है उसको टांगो, मुझे वहाँ पे खेल करना है कपड़े सुखाने। तो मैंने बोला कि ये सच है, यहाँ पे जो कपड़े हैं सारे, मैंने जो कपड़े धो रखे थे ये उनको फिर से गंदा करेगा, तो मैंने उसको बोला कि आ जाओ तथा हम खेलते हैं। थोड़ा बहुत टाइम जो है वो बच्चों को भी देना ही पड़ता है क्योंकि दिन भर इतने काम हो जाते हैं, तो लेकिन यह है कि कामों को थोड़ा सा अलग करके उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, उनके साथ भी खेलना पड़ता है, उनको भी अच्छा लगता है। और क्या होता है कि अपना माइंड भी जो है जो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है उनके साथ खेलने में। तो तेजस के साथ मस्ती हो गई है, अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में खाना बनाने के लिए।
तो अब मेरे हस्बैंड जो है वो भी आ चुके हैं। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आपको चाय पीनी है, तो उन्होंने बोला कि मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं सिर्फ सीधा ही जो है डिनर ही करूँगा। तो जो सब्जी है वो भी तैयार हो चुकी है, और मैं जो खीर है वो भी, खीर के लिए जो है मैं बादाम और काजू जो है वो काट रही हूँ, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर रही हूँ। और मैंने इसको जो है काजू बादाम को जो है रोस्ट नहीं किया है, मैं इनको ऐसे ही डालूँगी। और दूसरी तरफ जो है मेरी पूरी के लिए तेल गर्म हो रहा है। तो अब मैं बना रही हूँ पूड़ी, और पूड़ी के लिए मैंने आटा तो पहले से ही गूंथ रखा था। तो मैं क्या करूँगी, जब तक तेल गर्म होता है मैं छोटी छोटी मतलब कि पूड़ियाँ जो हैं वो एक थाली में जो है रखती जाऊँगी, तब तक तेल, क्योंकि तेल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में सारे थोड़े बहुत बेल लेती हूँ। तो जो फूली फूली और करारी सी पूड़ी बनती है ना, उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरी पूड़ी जो है वो बन चुकी है, अब मैं बना रही हूँ। और जो मेरी खीर है वो भी तैयार हो चुकी है, तो मैंने उसमें चीनी मतलब कि काजू बादाम और चीनी जो है वो भी डाल दी है, ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुकी है। जब तक ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको फिर से रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ अब पूजा करने के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड ने जोत जला दी है, लेकिन मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो अब खाना बन चुका है, अब हम अपना फास्ट खोल रहे हैं। और मैं और सच बताऊँ, खीर और सब्जी ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, और मुझे व्रत के दिन ना पूड़ी और खीर ना बहुत अच्छी लगती है। और मेरे लड़के को भी खीर बहुत पसंद है, उसको ना इतनी पसंद है, उसको रोज़ दे दो खीर और पूड़ी तो वो ना मतलब कि अपने आप से खुद से खा लेगा, वरना उसको खिलाना पड़ता है खाना। तो अब डिनर हो चुका है, तो अब करते हैं किचन की सफाई। और बर्तन तो बहुत हो जाते हैं खाना खाने के बाद, और खाना खाने के बाद ना ऐसा होता है कि ना कि थोड़ा सा ना मन नहीं करता फिर, लेकिन करना पड़ता है। और किचन ना अगर क्लीन हो ना, तो किचन अगर क्लीन हो तो सुबह के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर सुबह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं किचन की जो पूरी क्लीनिंग जो है ना वो रात को ही कर लेती हूँ। तो किचन की सफाई होने के बाद अब दूध वाले भैया भी जो है वो भी आ चुके हैं। तो अब मैं जो है दूध गर्म कर रही हूँ, और दूध को जो है मैं छान के गर्म करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी झाड़ वगैरह भी आ जाता है। और तेजस का जो दूध है वो गाय का आता है, और हमारा जो है वो भैंस का दूध आता है, हमने उसके लिए गाय का दूध मंगवाते हैं। और फिर इनको ना खाना खाने के बाद ना इन्होंने बोला कि ना मेरे को थोड़ा सा जूस पीना है, तो मैंने क्या कहा कि चलो हम तीनों ही पी लेते, तब तक दूध जो है मैं ना गर्म, तो तब वो भी गर्म हो जाएगा। तो अब दूध जो है वो भी बॉयल हो चुका है। ओके बाय फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि फास्ट था तो उस वजह से बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है। तो अब सो जाते हैं, और रात के बज रहे हैं 9, अब हम सो जाते हैं फिर, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, सबको ही जल्दी उठना पड़ता है। तो इसलिए ओके बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।